ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं है। इस पीटीएम का मकसद आप सबको जानना है। हेलो पेरेंट्स, आई एम दीपा भाटिया, स्कूल की काउंसलर। मैं आप सभी पेरेंट्स के लिए एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेकर आई हूँ। इस टेस्ट में आपको अपने पार्टनर और अपने बीच में एक तालमेल का पता चलेगा और साथ ही साथ आपके बच्चे भी आपका प्यार देख पाएंगे। टीचर जी ने तो ये गेम बच्चों के मम्मी पापा के लिए बनाई है, लेकिन हम तो सनी और सिमरित हैं, और फिर हीर जी और मैं ये गेम कैसे खेल सकते हैं? Excuse me, miss. दरअसल ना गल ये है, और हम ये गेम नहीं खेल सकते। क्यों? आपको कहीं जाना है? कहीं जीता सबको सच ना बता दे, मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। अपने बच्चों से भी ज्यादा जरूरी काम है। नहीं जी, कैसी गल्ला कर रहे हो? वो भला बच्चों से ज्यादा जरूरी क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो तो गल ये है कि मैं और चुप करो आप। मैम, वो क्या है ना, रास्ते में आते हुए हमारी थोड़ी तुतू मैम हो गई थी, तो इसलिए शायद नाराज हो गए। सुनो जी, हम गेम खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। वो आज हीर जी का अंदाज बड़ा बदला लग रहा है। क्यों बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ना थोड़े से अड़ियल है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक हो ना? हीर जी ने मुझे हस्बैंड कहा। हस्बैंड? शिव सिंह साहब, आपकी वाइफ ने पहली बार आपको हस्बैंड बोला है क्या? आप लोगों की लव मैरिज हुई है, तब तो आज तक आपको बेबी, सोना, बाबू यही सब सुना होगा, इसीलिए हस्बैंड सुनकर आप शॉक्ड हो गए। वैसे आप दोनों को देखकर लगता भी है कि दो दो बच्चे होने के बावजूद भी आज भी आप दोनों की प्यार मोहब्बत की नोकझोंक अब भी जारी है। वो एक अजनबी को भी हमारे बीच में प्यार नजर आ रहा है, तो हीर जी की आंखों में मैं अपने लिए प्यार कैसे नहीं देख पाया? जीता मुझे पागल समझ रहा होगा, मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं और सीधे हस्बैंड बोल दिया। मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, अभी के अभी सब बताना पड़ेगा। जीते मैं। हाँ जी हीर, बोलो। हीर? बच्चों ने जीते को सब बता दिया क्या? जीते, तुझे पता है? मुझे तो बहुत कुछ पता है। मैं जानता हूँ किस बारे में बात करने जा रहे। मतलब यहाँ जो हो रहा है उस बारे में, मैंने जो कहा वो क्यों कहा तुझे पता है? पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा। चल अच्छा है, तुझे मतलब अच्छा है, आप समझ गए। जीते, दरअसल हुआ ये। मिसेस अटवाल, प्लीज कम, गेम स्टार्ट होने वाला है। आइए। मैं जीते को पूरी बात तो बता ही नहीं पाई, लेकिन उसने कहा कि उसे सब पता है। थैंक गॉड किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई। अरे वाह, बड़ी जल्दी वापस आ गए, कैसा है अब आपकी कमर का दर्द? मम्मी जी, पापा जी एकदम ठीक है। डॉक्टर चड्डा की फिजियोथेरेपी से उनका जो बैक पेन था ना, वो बहुत अच्छे से चला गया। कमाल है ना, कि जल्दी ठीक हो गया आपका दर्द। हाँ, तभी तो जल्दी वापस आ गए। पुत्र, मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ। मम्मी जी, आपने अपनी दवाइयाँ ली? ओह तेजी, मेरी दवाई नू छड़, अब तो टाइम से आ गई है ना, जा बच्चों के स्कूल होया। मम्मी जी, मैं क्या करूँगी स्कूल जाके? हीर और जीता गए हैं ना? हाँ गए हैं, लेकिन माँ तो तू है ना, ये टीचर्स है ना, चाचा चाची को कुछ नहीं बताने वाले। आप भी उसे बातें करते हैं ना खुल के, हैं? और वैसे भी पुत्र,
नया स्कूल है तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हो मम्मी जी, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। ठीक है मम्मी जी मैं निकलती हूँ, पर आप दवाई ले लीजिएगा प्लीज। मैं ले लेनी है, तू जा। दोनों दिया गड्डियां कुछ ज्यादा ही करीब आ रही हैं, ब्रेक तो लगानी पड़ेगी। एज यू कैन सी मेरे हाथ में है कुछ कार्ड्स और इन कार्ड्स में लिखे हैं कुछ सवाल, तो आपको ये कार्ड्स में फिल करना है अपने आंसर्स और फिर मुझे दे देना है। ठीक है तो शुरू करते हैं। तन्वा जी, मिसेस सिमी, आप बताइए आपके हस्बैंड का फेवरेट फूड क्या है? इनकी मम्मी के हाथ के बने हुए छोले भटूरे, ये मुझे हमेशा कहते हैं सिमी मेरी मम्मी जैसे छोले भटूरे तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन आपके हस्बैंड ने तो बोला है कि इनको आपके हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है। सच्ची? तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। देखिए इसलिए तो हम ये गेम खेल रहे हैं, अक्सर हम अपने दिल की बात ना लोगों को बोल नहीं पाते और हर रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। वो अब मुझे पता चलेगा कि मुझे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। हाय रब्बा, ये टायर को भी अभी पंक्चर होना था। मिसेस अटवाल अब आपकी बारी है, आप बताइए कि आपके हस्बैंड का फेवरेट गाना कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल है, किशोर कुमार का पल पल दिल के पास। आप बोलेंगे या मैं बोल दूं? ओ जी करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट। करेक्ट। अब आप बताइए कि इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ओ जी ये तो बहुत आसान है, हैरी पुत्तर। और पता नहीं कितनी बार देखी है इन्होंने। जीते पुत्र नहीं पॉटर, हैरी पॉटर। ओहीर जी पॉटर है या पुत्र, वो गलत एक ही है ना जी, हैरी पुत्र। हैरी पॉटर इज द करेक्ट आंसर। सनी लगता है आज तेरे मम्मा और पापा ही गेम जीतेंगे। हाँ हमारे मम्मा पापा जीतेंगे, ये हम फर्स्ट आएंगे। यहाँ आसपास कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है वरना मैं लिफ्ट मांग लेती। क्या करूं? मम्मी जी को कॉल करती हूँ। हाँ बोलती जी पुत्र, पहुंच गई स्कूल? नहीं मम्मी जी, एक्चुअली मैं सरावा रोड पे फंस गई हूँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया और स्टेपनी भी नहीं है गाड़ी में। आप एक काम कीजिए, आप ड्राइवर को दूसरी गाड़ी लेकर फौरन यहाँ भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है पुत्र, मैं भिजवाती हूँ गाड़ी ड्राइवर के साथ। हैं जल्दी स्कूल चली जाना। मम्मी जी मैं क्या सोची थी कि अभी तक तो पीटीएम खत्म भी हो गया होगा। वैसे भी हीरो जीता गए हैं ना, वो बता देंगे आकर। आप ड्राइवर को भेज दीजिए, मैं सीधा घर ही आ जाती हूँ, वही बेटर होगा। सारे किए कर आए थे, पानी फिर गया। अब ये रहा आप दोनों का आखिरी सवाल और इसका जवाब आपको अभी लिखना होगा, और आपको लिखना है आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है। मेमोरी क्या होता है? यादगारपन। अच्छा ओके, सो मैं पढ़ रही हूँ मिस्टर अटवाल का कार्ड और उन्होंने लिखा है कि मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल वो था जब उन्होंने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाया था,
जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया था। मैम ये तो मैंने लिखा था, आपने शायद मेरा कार्ड पढ़ लिया होगा। नहीं नहीं, आप दोनों ने एकदम सेम लिखा है। और मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो आपको एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है। वाकई में आप दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो, सच में ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। मिसेस अटवाल, मिस्टर अटवाल, आप दोनों बहुत लकी हो। मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में आप सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये रांझा एक दूसरे के लिए बने। सो हमारे विनर्स हैं मिसेज एंड मिस्टर अटवाल। पापा जी, कहीं बच्चों की बात मान के मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? वाकई में आप दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो। मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में आप सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या जीता सच में सिर्फ तेरा एक दोस्त है? नहीं ही, ये दोस्ती नहीं प्यार है। और रब ना करे ही अगर किसी ने जीते का हाथ थाम लिया तब क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ ऐसे टेस्ट करके ही पति चुनना था, कम से कम आज इज्जत तो बच जाती। वैसे आपको पता कैसे चला कि मिस्टर अटवाली आपके मिस्टर परफेक्ट हैं? वो मैं नहीं, ये दोनों एक दूसरे को जितना अच्छे से समझते हैं ना, मुझे नहीं लगता कभी इन्हें इस बात का एहसास भी हुआ होगा। इन्हें तो शुरू से ही पता होगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं आप? हीर जी, पता है वो सब लोग अंदर ना हमारे बारे में बात कर रहे थे। सब ये कह रहे थे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। ये सब तो मैंने सनी और सिमरित के लिए किया ताकि सब यही सोचे कि हम दोनों उनके मम्मा पापा हैं। क्या तुझे तो पता है ना कि सनी और सिमरित यहाँ पे नहीं आना चाहते थे। वो तेजी दीदी के साथ अकेले नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि क्लास के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाएंगे। इसलिए मैंने ये नाटक किया। लेकिन जीते, तुझे तो ये सब पता है ना? मैंने तुझे गेम शुरू होने से पहले ही बताया था और तूने ही तो कहा था कि तू सब समझ गया। नहीं जी, वो कुछ नहीं समझा मैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके खेल ने मुझे दुनिया के सामने सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया है। किसी के भी जज्बात के साथ खेलने में मजा आता है आपको? जब चाहे जैसे चाहे वैसे बर्ताव करो मेरे साथ। लेकिन ये सब सिर्फ नहीं जी, आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था। ऐसे अकेले आपको किसी भी फैसले लेने का कोई हक नहीं है। वो पता नहीं मैं, तूने तो मुझसे कहा था कि तू सब समझ गया है और मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे रिएक्ट करेगा। और हम तो सिर्फ दोस्त थे। तो बस ही जी यार, वो कभी दोस्त कभी झूठा पति। ओ जी गलत सुन लो मेरी, वो मुझे ना आपके खेल समझ नहीं आते। वो सीधा साधा जाटू मैं, वो जो सामने आया ना वो मैंने मान लिया। लेकिन ये सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। जीते, कहीं मैंने जीते को अनजाने में हर्ट तो नहीं कर दिया? क्या कर रही हूँ मैं, मुझे जीते से बात करनी होगी। भाभी, हेलो। हीर, पापा जी का कुछ भी पता नहीं चल रहा। पापा जी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, पिछले 4-5 घंटे से कहीं गायब है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पापा जी मेरा फोन इग्नोर करें। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आपने संधु अंगद से पता किया? मैंने सब जगह पता करवा लिया। साथ वाले मिंटू को बोला था गुरुद्वारे जाके देख ले। मुझे लगा पापा जी वहाँ बैठे होंगे, लेकिन ही पापा जी वहाँ भी नहीं थे। अजब,
भाभी आप घबराओ मत, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हीर, तू प्लीज जल्दी से आ जा। पापा होने की एक्टिंग करी। ये सब मेरा प्लान था, लेकिन चाची मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाकर वो मानी। देखो मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब सब क्लास में आप दोनों का ही नाम लेंगे, कहेंगे कि सनी के मम्मी पापा बेस्ट हैं। और सिमी के भी। अच्छा हाँ, हम लोग सबको बाय बोल कर आते हैं। हाँ। चलो चलो। तेजी दीदी के साथ अकेले नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि क्लास के सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाएंगे, इसलिए मैंने ये नाटक किया। यार जितने तू भी ना, वो चलना ही एक नंबर था। वो इतना सब कुछ सुना दिया हीरजी को, वो बेचारी तो तुझे सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। सब गलत हो गया, क्या कहूंगा हीरजी से, अब समझ नहीं आ रहा। ओ हीर जी सॉरी हीर जी, मुझे ना बहुत बड़ी गलती होगी, वो इतना कुछ सुना दिया मैंने आपको। ओ हीर जी मुझे तो अभी अभी बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहले ही आपसे बात कर ली थी। हीर जी मैंने माफ़ कर दो, सच्ची मैं ना जीते, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है, भाभी मुझे बुला रही, मुझे घर जाना होगा, तो प्लीज़ बच्चों को लेकर घर चले जाना। हाँ भाभी, बात हुई आपकी, कुछ पता चला आपको? रब लग लग शुक्र है तू आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ एक बार। The number you have dialed is currently switched off. पापा जी कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करते थे, पता नहीं क्या हो गया आज पापा जी को। भाभी आपने वीर जी को बताया? वीर जी कहाँ पे है? एक नहीं 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं, बैठा होगा अपने मेले दोस्तों के साथ गप्पे मारे, उसे फोन की कहाँ होश होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पापा जी ठीक तो होंगे ना? ये जस्मा भी ठीक कह रही है, पापा जी तो कभी फोन ऑफ नहीं करते, कहाँ गए होंगे, ठीक तो होंगे ना? ठीक तो होंगे ना? मुझे भाभी सबसे पहले तो आप शांत हो जाओ, हो सकता है कि पापा जी मंडी गए हो या फिर उनके फोन की बैटरी डेड हो गई हो। आप टेंशन मत लो, मैं उनको ढूंढ के लाती हूँ। ठीक है। दादू क्या बात हो गई पुत्र, इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा था घूम घाम क्या होगे, पर ही नजर नहीं आ रही। ओ जी ओ हीर जी को कुछ काम था घर पे तो वहां चली गई। मुझे लगा था ये सही मौका है, बच्चों की वजह से ही सही हीर और जीता साथ में थोड़ा अच्छा वक्त बिताएंगे, लेकिन हीर खुद ही पता नहीं किस काम में बिजी हो गई। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है पुत्र, मुझे लगता है मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए वरना फिर से दर्द ना हो जाए। आगे रिपोर्ट कार्ड। मम्मा रिपोर्ट कार्ड आई ना? हाँ जी। सिमरित इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर सोशल साइंस सब में A+, सिर्फ मैथ्स में B+ है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। मम्मा को तो खुश कर दिया आपने, कीप इट अप। ओके मम्मा। सनी तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देखे तो सारे सब्जेक्ट्स में सी, टीचर ने शिकायत की होगी ना इसकी, क्या बोला उन्होंने? जी टीचर ने तो पहले ही कह दिया था कि जो नंबर शंबर ना मुझे रिपोर्ट कार्ड से पता लग जाएंगे, वो तो अलग अलग ही बातें कर रही थी। इधर उधर की बातें मतलब? जी
मेरा मतलब है कि बस इधर उधर की बातें, घर पे माहौल कैसा है वगैरह वगैरह। कान खोल के सुन लो सनी, क्या कर रहे हो ये? कान खोल रहा हूँ। बहुत हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है तुम दोनों को? छित्तर बनेंगे ना तब समझ आएगा। स्कूल जाने से एक घंटा पहले और स्कूल से आने के बाद 4 घंटे बैठ के तो पढ़ाई करोगे, समझे? 4 घंटे पढ़ाई? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? एक काम कर दे ना जीते, तेरे साथ बच्चे बड़े खुश रहते, तू भी बैठ जाए कर, जब भी पढ़ाई कर रहे होते मन लगा के पढ़ाई करेंगे, है ना? मम्मी जी क्या आप जीते? अगर जीता चाचा हमारे साथ बैठेंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा। तेजी भाभी वैसे ही कर लेते हैं। बिगाड़ रहे हो तुम इसे। सुखंदर अंकल, पापा जी आए थे क्या? कोई ना पुत्र, वीरक साहब तो आज मंडी आए ही नहीं। फिर कहाँ गए? हेलो भाभी, ये मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। नहीं भाभी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं पापा जी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तूने जीते से इस बारे में बात की? तू उसकी हेल्प क्यों नहीं ले रही है? तू जानती है ना कि जीता ही है जो पापा जी को ढूंढ सकता है। और तूने ही तो कहा था कि तू सब समझ गया। नहीं हीर जी, किसी के भी जज्बात के साथ खेलने में मजा आता है। आपको जब चाहे जैसे चाहे वैसे बर्ताव करो मेरे साथ। जीते से मदद मांगू या ना मांगू पता नहीं कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं।